दुनिया में अभी जो करंट जैवलिन थ्रोअर्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनमें से कौन ऐसा है जिससे आप सीखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, अरशद का तो मैंने बताया, उसके अलावा नीरज इंडियन जो अभी करंट ओलंपिक चैंपियन भी है, उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। यह है कि उनकी जो ट्रेनिंग है उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ, वो फिटनेस लेवल उनका जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कैसा करूँ जो वो बड़े माशाल्लाह फिट है। अगर अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इस पर अफसोस करूँ तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यही होगा, पूरा नेशन दुआ मांगने लग जाते हैं। मैं लास्ट ईयर एशियन ब्रॉन्ज हुआ लास्ट, मैं बड़ा खुश था उस टाइम, मेरे कुछ जानने वाले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से, शबाज शरीफ साहब से मेरी मीटिंग करवाई थी मॉडल टाउन में, उन्होंने मुझे 5 मिलियन का 50 लाख का ना प्राइज जो है अनाउंस किया था, अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि प्राइवेट 5 मिलियन अनाउंस किया वज़ीर आज़म साहब ने। हाँ जी, वो मुझे अभी तक मुझे नहीं मिला। वज़ीर आज़म साहब तक अगर कोई ये पहुँचा दे, शबाज शरीफ साहब, एक कमिटमेंट जो की हुई है, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं फिर हमारे एथलीट्स? आप देख, हम टिकट भी नहीं प्रोवाइड कर सके, उधार के पैसों से ये सारे एथलीट गए हैं, और अब ओलंपिक एसोसिएशन को पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने वो धार चुकाना है जो अभी तक नहीं चुकाया। अभी तो हमने और भी जलील होना है। जब हमारे एथलीट्स को जो है सहूलतें नहीं मिलेंगी, उनकी फेडरेशनों पे पाबंदियां लगी होंगी गैर कानूनी, तो फिर हम क्या तवक्को करते हैं? टैलेंट का भी मुवाजना करते हैं, आपके पाकिस्तान में है, ये इंडिया के खिलाड़ी हैं, इनमें ये है, ये और मुल्कों से हैं। तो बस यही उम्मीद करता हूं कि पहले तो मेरे 50 लाख भी मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए, मैं जैवलिन ले सकूं, कुछ चीजें अपनी सही कर सकता हूं आगे। मजाक हो रहा है, हम किस अंदाज से अपने मुल्क में खेलों को लेकर चल रहे हैं, 23 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, शर्म आती है हमें। एक छोटे से मुल्क की जिसकी आबादी 10 लाख 15 लाख 20 लाख दिखाई देती है, वो भी कहीं मेडल पे खड़ा हुआ दिखाई। आज सूरत ये है कि अगर कौमी हॉकी टीम का कोई लड़का शादी के लिए रजामंद हो तो जो होने वाले ससुराली हैं पहला सवाल पता है क्या पूछते, कहने लगे ये बहुत अच्छी बात है कि तुम नेशनल टीम में हो मगर काम क्या करते हो। दोस्तों नमस्कार, ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं इस महीने के आखिर में और नीरज चोपड़ा अपने गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि पिछली बार की तरह नीरज चोपड़ा एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीतेगा। वो पाकिस्तान का जेवलिन थ्रोर भी कह रहे हैं कि मैं नीरज चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन हूं, उसको देखकर सीखता हूं कि ट्रेनिंग कैसे करनी है, फिट कैसे रहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास जेवलिन नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए, जो 5 लाख रुपए का आता है पाकिस्तानी रुपीज के हिसाब से, और वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से गुहार कर रहा है कि मेरे पास जेवलिन नहीं है, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूं। और उसने कोई मेडल जीता होगा पिछली बार एशियन गेम में, तो एक साल से उसको 50 लाख मिले नहीं अभी तक गवर्नमेंट की तरफ। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे पैसे दे दो ताकि मैं अपने लिए जेवलिन खरीद सकूं, ट्रेनिंग कर सकूं, क्योंकि नीरज चोपड़ा पूरे साल अमेरिका, फिनलैंड, नॉर्वे में ट्रेनिंग करता है और उसी को देखकर पाकिस्तान के एथलीट नीरज चोपड़ा से बहुत कुछ सीखते हैं। कितनी हार्ड ट्रेनिंग करता है और हर गेम में गोल्ड मेडल जीत कर आता है, कभी कभी होता है कि वो सिल्वर मेडल जीता हो। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया फैन बन गई है नीरज चोपड़ा की कि वो क्या बंदा है, क्या खाता है, हमारे प्लेयर क्यों नहीं है ऐसे। दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे प्लेयर भी मेडल जीत कर आए ओलंपिक में, लेकिन वो 1 रुपए का सपोर्ट नहीं करते अपने प्लेयर्स, जबकि इंडिया में हमारे प्लेयर्स को पूरा सपोर्ट मिलता है, कोई भी चीज की कमी नहीं होती यहाँ पे, इसलिए हमारे प्लेयर हर ओलंपिक में मेडल जीत कर आते हैं। पाकिस्तान के लोग चिढ़ते हैं देखकर। दुनिया में अभी जो करंट जैवलिन थ्रोअर्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनमें से कौन ऐसा है जिससे आप सीखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, अरशद का तो मैंने बताया, उसके अलावा नीरज इंडियन जो अभी करंट ओलंपिक चैंपियन भी हैं, उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। मेरी अच्छी दोस्ती भी है, बोलचाल भी उनसे बातचीत होती है, उनसे इंस्पायर इसलिए हूं कि बाल वाल भी थोड़े से, हाँ बाल वाल चलें, ये तो अपनी अपनी चॉइस होती है जिसको अच्छे लग जाए, लेकिन ये है कि उनकी जो ट्रेनिंग है उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ, वो फिटनेस लेवल उनका जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कैसा करूँ जो कि वो बड़े माशाल्लाह फिट हैं, और जो वो थ्रो करते हैं वो तो आप सबके सामने आप जानते ही हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ ट्रेनिंग में उनकी चीज़ें कॉपी करने की, उनकी तरह बनने की। जारी बात, अगर आप किसी अच्छे प्लेयर को करोगे तो डेफिनेटली आप भी कुछ ना कुछ इम्प्रूव करोगे उसमें। क्या चीजें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं जिससे आप लोगों को और बूस्ट मिलेगा? जैसे मेन हमारा इम्प्लीमेंट जैवलिन, मेरे पास जैवलिन नहीं है, जैवलिन नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो के होना चाहिए, जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट जिसके बगैर खेल ही नहीं है, जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है ना, उसके बगैर तो मैं कैसे। अभी जब मैं एक कंपटीशन मुझे फॉर एग्जांपल साल में मिल रहा है तो मैं जाके वो थ्रो करूंगा, मैं यूज्ड टू नहीं होता पहले उस जैवलिन का, मुझे वो फेंकना नहीं आता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज। वो हम 5 से 6 लाख का एक जैवलिन आता है, ये कोई 50,000 का भी नहीं है हमारे पास जो है, तो चीजें ये मैटर तो करती है, आप मतलब कह सकते हो। कभी इंडिविजुअली आपने किसी प्राइवेट कंपनी या किसी कॉर्पोरेट को अप्रोच की कि मैं जाके एशियन जैवलिन थ्रोअर कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ, क्या मुझे कोई स्पॉन्सर कर सकता है इस ये कॉर्पोरेट? बहुत सारी प्राइवेट चीजों को तो आप छोड़ें, मैं लास्ट ईयर एशियन ब्रॉन्ज हुआ लास्ट, मैं बड़ा खुश था उस टाइम, मेरे कुछ जानने वाले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से, शबाज शरीफ साहब से मेरी मीटिंग करवाई थी मॉडल टाउन में, उन्होंने मुझे 5 मिलियन का 50 लाख का ना प्राइज जो है अनाउंस किया था, अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक नहीं मिला।
मैं प्राइवेट, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि प्राइवेट 5 मिलियन अनाउंस किया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। हाँ जी, वो मुझे अभी तक मुझे नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म साहब तक अगर कोई ये पहुंचा दे, शहबाज शरीफ साहब एक कमिटमेंट जो की हुई है, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं फिर हमारे एथलीट। मैं अभी सिर्फ ये उसमें ही अटकी हुई हूँ कि 5-6 लाख की अगर वो जैवलिन मिलती है तो फेडरेशन के पास क्या इतना बजट नहीं, गवर्नमेंट के पास ना, ये जो राणा साहब का आपने शुरू में जिक्र किया था ना, अगर फेडरेशन के पास नहीं है फंड्स तो स्पोर्ट्स बोर्ड किस मर्ज की दवा है ना तो उनका। स्पोर्ट्स बोर्ड को इतने सारे फंड्स तो मिलते हैं, वो वापस कर देते हैं फंड्स। कितने फंड्स वापस किए थे? 4 अरब रुपए उन्होंने एक दौर में हुकूमत को वापस कर दिए थे कि हम खर्च नहीं कर पाए। मतलब एक आयरनी है हाफिज ये कि इससे पहले कश्माला तलत हमारे पास आई थी, उन्होंने कहा हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे मुल्क में इतनी फंड्स नहीं है और वो भी ओलंपिक्स में जा रही है। यस बिल्कुल। सो खुदारा राणा साहब आपसे भी गुजारिश है बेहतरी करें, बेहतरी करनी है तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे देखें। टैलेंट का भी मुवाजना करते हैं, आपके पाकिस्तान में है, ये इंडिया के खिलाड़ी हैं, इनमें ये है, ये और मुल्कों से हैं। तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि पहले तो मेरे 50 लाख भी मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए, मैं जैवलिन ले सकूं, कुछ चीजें अपनी सही कर सकता हूँ आगे इन फ्यूचर। मैंने कंपटीशन खेलने डेफिनेटली, अभी तो मेरा स्टार्ट है मैं समझता हूँ, और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी चीजें इंप्रूव हो जाए। तो अभी जो मैं कोरिया में गया हूँ, मुझे 1 वीक पहले कंफर्मेशन हुई है कि वीजा मेरा आ गया, नहीं तो उससे पहले कंफर्म ही नहीं था। अप्लाई नहीं हुआ वीजा, इस वजह से वीजा लेट हो गया, या वीजा ही ऑब्वियसली क्या हमारे पासपोर्ट पे लेट लगता है, क्या रही? अगर एक चीज तो आप भूल ही गए कि पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है, हॉकी। 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज। इस मुल्क की जो तारीख है उसमें 10 मेडल हमने सिर्फ ओलंपिक में जीते हैं, 8 हॉकी के हैं। और दोनों ओलंपिक्स से कहते हैं कि बात पूरी कर लूं, और पिछले दोनों ओलंपिक्स से हॉकी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। आज सूरत ये क्वालिफाई नहीं किया, आज सूरत ये है कि अगर कौमी हॉकी टीम का कोई लड़का शादी के लिए रजामंद हो तो जो होने वाले ससुराली हैं पहला सवाल पता है क्या पूछते, कहने लगे ये बहुत अच्छी बात है कि तुम नेशनल टीम में हो मगर काम क्या करते हो। अप्रैल 2015 के मुकाबले में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कैंप लगा, ट्रेनिंग कैंप पिंडी में, रियो की तैयारी के लिए 2016 में होने थे। अचानक दरमियान में वो कैंप इसलिए ख़त्म कर दिया गया था कि TADA के जो पैसे हैं वो ख़त्म हो गए थे। जब हॉकी इंडिया को पता चला तो उन्होंने कहा जी हमने ऐसी ऐसी खबर सुनी है कि आपको फाइनेंशियल मुश्किलात हैं, कैंप ख़त्म करना पड़ा है। हम खुदा के वास्ते हम आपके हमसाए हैं, हम इसलिए मदद करना चाहते हैं कि हॉकी हो और इंडिया पाकिस्तान ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये नौबत आ चुकी है यार यहाँ। और की जो फेवरेट कंगना की एक मूवी का क्लिप था ना कि नहीं अभी तो हमने और भी जलील होना है, वो पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में आ रहा है। हम टिकट भी नहीं प्रोवाइड कर सके, उधार के पैसों से ये सारे एथलीट गए हैं, और अब ओलंपिक एसोसिएशन को पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने वो धार चुकाना है जो अभी तक नहीं चुकाया। अभी मैंने कंफर्मेशन की है POSA, उन्होंने कहा सर हमें अब तक वो पैसे नहीं मिले, मिल जाएंगे, गवर्नमेंट सरकार दे देगी, जाएंगे कहीं नहीं, पर ये सूरत हाल है। बहुत सारे लोगों को शायद ये बात ज्यादा बेहतर ना लगे लेकिन सच्चाई यही है कि इस ओलंपिक्स में आपको पता है कि किस मुल्क के सबसे ज्यादा एथलीट्स ने क्वालिफाई किया, वो इंडिया है। इंडिया के 158 एथलीट्स क्वालिफाई करके गए, हमारे 10 एथलीट्स गए जिनमें से 2 ने क्वालिफाई किया और 8 वाइल्ड कार्ड के थ्रू गए थे। इतना बड़ा फर्क, पड़ोसी मुल्क है, बहुत बहुत बड़ा फर्क नहीं होता था हमारे दरमियान। अगर आप माजी में थोड़ा माजी में चले जाएं, हम हॉकी में भी डोमिनेट कर रहे होते थे, एथलेटिक्स में भी डोमिनेट कर रहे होते थे, कहीं ना कहीं हमारी बढ़तरी इंडिया के खिलाफ होती थी। लेकिन आज इतना बड़ा फर्क, क्रिकेट में भी आप उठा के देख लें कितना बड़ा फर्क आ गया। मैंने आपको एक बात कही ना कि हमारे लिए प्राइड के कोई मायने नहीं रहे, हमारे लिए प्राइज की अहमियत है। क्या मजाक हो रहा है, हम किस अंदाज से अपने मुल्क में खेलों को लेकर चल रहे हैं। 23 करोड़ अवाम का यह मुल्क है, शर्म आती है हमें। एक छोटे से मुल्क की जिसकी आबादी 10 लाख 15 लाख 20 लाख दिखाई देती है वो भी कहीं मेडल पे खड़ा हुआ दिखाई